नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 16 अक्टूबर, कल के सेशन में हमने फिर से गिरावट भरा दिन देखा। कॉटन में हमने कल रेंज बाउंड ट्रेड देखा, थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हुई है, बट प्राइसेस अभी भी 19,000 के ऊपर मेंटेन है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देता है। इंटरनेशनल में भी आज अगर हम बात करें तो 69 का बैरियर तोड़ के 69.50 का लेवल दिखा चुका है, जो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगले 2-3 सेशन के अंदर हम इसको 70 सेंट का लेवल तोड़कर 72 तक भी जा सकता है, जिसका मतलब है डोमेस्टिक मार्केट में कॉटन के प्राइसेस 19,500-19,600 तक के लेवल दिखा सकता है। वहीं कपास की अगर बात करें, कपास में कल हमने 1% की गिरावट देखी, बट ओवरऑल जिस ढंग से डोमेस्टिक मार्केट में हमने डैमेजेस देखा, खास करके तेलंगाना बेल्ट में, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। जो इनिशियल टारगेट तो हम 1100 से 1120 तक का लेवल देख पाएंगे। कॉटन सीड ऑयल में हमने कल काफी अच्छी गिरावट आते हुए देखी। हमारी उम्मीद थी कि 1840-50 का लेवल सपोर्ट दिखाई देगा चार्ट पे और 1890 तक का लेवल दिखा देगा, बट कल हमने देखा फर्स्ट हाफ में तो मार्केट स्टैग्नेंट था, बट सेकंड हाफ में जैसे ही 1850 का लेवल तोड़ा, हमने एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी और प्राइस 1800 के लेवल पे जाकर होल्ड होता हुआ दिखाई दिया। आज जिस ढंग से कॉटन कपास में तेजी है और बाकी एग्री में भी तेजी का रुख है, वो कहीं ना कहीं कॉटन सीड ऑयल को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। अराइवल्स थोड़े बहुत बड़े भी है, बट ऑयल प्राइजेस के भाव जिस ढंग से गिर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कॉटन सीड ऑयल को थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने मिल सकता है। शुक्रवार भी तो जनरली हम शुक्रवार को रिवर्स ट्रेड देखते हैं, मतलब जो भी कमोडिटी के अंदर पूरे हफ्ते में तेजी रहती है उसमें गिरावट और जिसमें गिरावट है उसमें तेजी, तो आज शॉर्ट कवरिंग रह सकता है। पर ध्यान रखिए अपने को 1820 का लेवल होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1820 के ऊपर की आज की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर से हम एक नई तेजी के लिए तैयार रहेंगे, जो 1856 से 1890 तक का लेवल दिखा देगा। एल्स जब तक प्राइजेस 1780 के ऊपर होल्ड है, 1780 से 1820 का दायरा रहेगा, 1820 का लेवल तोड़ने पे हम 1856 से 1890 का लेवल देख पाएंगे। आइस कॉटन की अगर चार्ट की बात करें तो ऑलरेडी 69.50 का लेवल छू चुका है, अपर चैनल पे है। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो हम 72 तक का भी लेवल दिखा दे, चार्टिकली काउंटर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट आई है, प्राइजेस क्लाउड के नीचे जा चुके हैं, बट आप ध्यान रखिए आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आज प्राइजेस फिर से रिकवर कर लेता है और क्लाउड के ऊपर क्लोज दे देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाउड बना हुआ है 200 डे मूविंग एवरेज के करीब, अगर प्राइजेस आज 1820 के ऊपर निकल जाता है तो हम 1890 का लेवल फिर से देख पाएंगे, नहीं तो 1780 का लेवल तोड़ने पे काउंटर थोड़ा खराब हो सकता है, बट चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, बिकॉज 1780 इससे पहले भी हमने देखा था अक्टूबर महीना स्टार्ट होने पे कि 1780 का लेवल लो मारने के बाद प्राइजेस में एक अच्छा उछाल आ गया था, सेम सपोर्ट ले सकता है, तो 1780 ध्यान रख के ट्रेड कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी की अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर।